डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार कई विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कभी साइकिल की रैली तो कभी देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन। ऐसे में इस कड़ी में अब हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित किया है। राजधानी रांची में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने आज इस अभियान का नेतृत्व करते हुए लोगों से हस्ताक्षर करवाया। आइए रमा मैडम आ जाइए, रमा मैडम आ जाइए, पीछे आप पेट्रोल ले लीजिएगा। इतना महंगा हो गया, बहुत मुश्किल, हम लोग को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। दिक्कत है कि सवारी कम है, तेल का दाम ज़्यादा है। दो चक्कर चलते हैं, तेल का दाम आता है, बाई चांस कभी 10-20 रुपया होता है अधिक, तो बस इसी में चलते। पुराना गाड़ी है। क्या कहना है मोदी जी? मोदी जी से कहना यही है कि तेल का दाम थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। कभी आज तक इतना महंगा हुआ नहीं? कभी नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है। डेली पैसा बढ़ता है। परिवार चलाने में कितना दिक्कत? बहुत दिक्कत हो रहा है। बोले तो कि दो चक्कर चलाते तेल का दाम भी नहीं आ पाता है, तेल खत्म हो जाता है। क्या आपने सिग्नेचर किस पे किया? ये तो कॉपी पे किए हैं, पेट्रोल महंगाई के ऊपर किए हैं। क्या लगता है कम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर बात करें 2013 की, तो 2013 में 64 रुपया पेट्रोल हुआ करता था दिल्ली के अंदर में, और आज और उस समय क्रूड ऑयल का कीमत लगता है कि अब आज का जो क्रूड ऑयल का प्राइस है और उस समय क्रूड ऑयल में आसमान जमीन के अंतर थी, जबकि आज का क्रूड ऑयल 35 या 40 रुपए प्रति लीटर है। तो आप समझ लीजिए, अभी झारखंड के अंदर में रांची में 98 रुपए अगर पेट्रोल है, तो 30 रुपए का माल हम 98 रुपए में बेच रहे हैं। तो आप कम कर दीजिए ना 35%, सारे लोगों को इससे सहूलियत हो जाएगी। आप कम कर दीजिए, ऑटोमेटिकली जो है यहाँ रेट कम हो जाएगा। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के कीमतों को कम करने की नसीहत केंद्र सरकार को दी। आप देखेंगे कि एक वर्ष के अंदर में 67 बार मूल्य वृद्धि करके, टैक्सेशन बढ़ा करके, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके करोड़ों करोड़ रुपया, और सरकार दुहाई देती है कि हमारा इस पर नियंत्रण नहीं है, जबकि सारी सरकारी कंपनियां इसको तेल को नियंत्रित करती है। तो सरकार गरीब जनता को कोरोना काल में त्रस्त करके मुनाफा कमाना बंद करे, हमारी यही मांग है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।